बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। वाम दल के विधायक बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार सरकार को घेर रहे हैं। विधानसभा परिसर में ये लोग पोस्टर लेकर मार्च निकाल रहे हैं। हम वाम दल के विधायकों से बात करेंगे। CPIML विधायक दल के नेता महबूब आलम नजर आ रहे हैं। किन मुद्दों पे धज्जियां उड़ रही है, इसलिए इन तमाम सवालों को बिहार विधानसभा में उठाएंगे। अपराध का सवाल, अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराधियों द्वारा दलितों के हाथ काटे जा रहे हैं, सामंती अपराधी द्वारा उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, भ्रष्टाचार के नाम पर डींग झा रहे हैं मुख्यमंत्री और अरबों खरबों के पुल बहे जा रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग कार्य स्थगन देंगे और मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़नी होगी। अगर वो जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक सदन नहीं चलने देंगे। बिल्कुल नहीं चलना चाहिए सदन, मुख्य मुद्दा है। गृह विभाग नीतीश के पास है, क्या संभाल? बिल्कुल 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 संभाल नहीं पा रहे हैं। पुलिस की संलिप्तता है अपराधियों के साथ और उनकी पार्टी की, माननीय मुख्यमंत्री की पार्टी की संलिप्तता है सामंती अपराधियों के साथ। इस वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, वो पंगु हो चुके हैं, शासन चलाने की क्षमता खत्म हो चुकी है, वो प्रशासक पदाधिकारियों का पैर पकड़ रहे हैं। इसलिए आप इनको आप छोड़िए, मुक्ति दीजिए बिहार की जनता को, बिहार की जनता संभाल लेगी, गद्दी छोड़िए। एक के बाद एक कई पुल गिरे, वही तो हम लोग बोले, अरबों खरबों के पुल गिर गए, कौन जवाब देगा? सैकड़ों साल का पुल बना हुआ अभी देश की सेवा कर रहा है और आज 10 साल के अंदर बने हुए पुल तमाम दह गए, जवाब देना होगा माननीय मुख्यमंत्री। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि CM नीतीश को जवाब देना होगा, पोस्टर लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज से कहेंगे कि पोस्टर की आपको तस्वीरें दिखाएं। ये लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था चरमरा गई है, एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे पुलों के जो ध्वस्त होने का मामला है, इस पर CM नीतीश को सदन में अपनी सफाई देनी चाहिए। जब तक वो सफाई नहीं देंगे हम लोग सदन को नहीं चलने देंगे। तो जो सत्र है 5 दिनों तक चलेगा और हंगामेदार रहने के इसके आसार हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, ABP News, पटना।